सॉर्ट करना भूल जा रहा है। चलिए तो और क्या क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको आप लूप पर बना सकते हैं? तो क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में है, प्राइम हो गया, प्राइम का सीरीज हो गया, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का सीरीज आप चाह सकते हैं तो सारे क्वेश्चन को सीरीज भी चेक कर लेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग नंबर कौन है ना, 143 है, कितना स्ट्रॉन्ग नंबर है, 145। अब आप पता कर सकते हैं कि है ना 100 से लेके 10,000 तक कौन कौन स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप सीरीज में चेंज कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया, तो क्वेश्चन अब आते हैं और ये सारा क्वेश्चन हम और देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लुक से रिलेटेड देखते हैं। हाँ बोलो। फिबोनाची सीरीज, क्या फिबोनाची सीरीज, वो एक बचा हुआ, वो भी दे दे रहे हैं उस क्वेश्चन में डाल दे रहे हैं। क्या था क्वेश्चन, क्या तो लॉजिक मिल ही गया, 14916 इस तरह, तो आसान है, चल दो लूप और उसको स्क्वायर कर करके प्रिंट कराते जाओ क्या। चलिए तो अब इस तरह के क्वेश्चन और भी होगा। एक आप अब चलते हैं हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन में कुछ, तो एक क्वेश्चन आपका मिलेगा फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज होगा और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस तरह के। तो चलिए फिबोनाची सीरीज के लिए इस तरह के क्वेश्चन स्टार, ठीक है, हाँ चार्ट बनाने के लिए। तो फिबोनाची सीरीज हो गया, चेक अमिकेबल स्ट्रॉन्ग अपवेन। तो फिबोनाची सीरीज आपने बनाया है पाइथन में, तो आप तब बना लेंगे, तब हम क्यों बताएं, जब बना हुआ है तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज हम दे देते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम आपको बता रहे हैं। पाइथन में हो सकता है आपने बनाया होगा सीरीज वाला, ठीक है, तो हम समझा देते हैं, जो नहीं समझे होंगे वो भी थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन होता है, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, कोई बताएगा? अप टू एंड टर्म, चलिए तो बना लीजिएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डबल सी होता है क्या, बता दें? पहले तो ये बताओ कि फिबोनाची होता क्या है, तब ना बताएंगे। कौन बोल रहा है, बता बता दो, कौन बोलो 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 ना, तुम बोल रहा है, कौन बोला, तो बोलो ना जी, क्या इसमें तुम बोला, तो तुम बनाया नहीं है पाइथन में, तो फिर से चाहता है कि उसको सीख लेना, तो एक बार ट्राई करना, अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बता रहे हैं, सीरीज वाला एक बना दे रहे हैं, है ना, क्योंकि लॉजिक क्या है सीरीज वाला, इसको समझा दे रहे हैं। जैसे आपके पास इस तरह के क्वेश्चन रहेगा,
दिख रहा है आपको? देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में है ना, हम लोग क्या करते हैं कि पहले पता करते हैं कितने लाइंस है, कितना लाइंस है। देखिए लॉजिक कैसे निकलेगा, कितना लाइंस है? 5 लाइंस है। तो एक तो हम लोग लूप कंफर्म है कि चलेंगे कितने के लिए? 5 के लिए, लाइन के लिए। दूसरा, हर एक लाइन में कितना है, ये भी लॉजिक मिल गया कि पहला लाइन है तो एक, दूसरा लाइन है तो दो, तीसरा लाइन है तो तीन। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बनाते हैं, इसको हम हटा देते हैं ना, इसी में बना देते हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लाइन के लिए चल दीजिए, फोर, अब आई फाइव चलना है तो फोर अपने आप आ जा रहा है, ठीक है, फोर आई इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आई, ठीक है, अब क्या करना है कि अब अंदर जो है इस फोर के अंदर, इस लाइन के अंदर हमको क्या प्रिंट कराना है, स्टार। अगर हम कर देंगे प्रिंट स्टार तो हर बार हर लाइन में कितना स्टार प्रिंट करेगा? एक प्रिंट, एक ही ना, ठीक है, 5 टाइम करेगा हर बार, क्या 5 टाइम करेगा, लेकिन हर लाइन में आपको 1 2 बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि स्टार के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, लुक देना पड़ेगा। तो ऐसा लुक बनाना पड़ेगा कि पहली बार जब लुक चले यानी आई की वैल्यू 1 हो तो वो कितनी बार ट्रू हो, एक बार ट्रू है ना, दूसरी बार में कितनी बार ट्रू हो। तो देखिए आप एक बार ट्रू कराने के लिए आप क्या कर देंगे, जैसे स्टार के लिए जे लिख, जे इक्वल टू आप क्या चलो, अब एक बार अगर ट्रू करना है तो जे इक्वल टू 1 to 1 भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक बार ट्रू होगा ना। लेकिन अब हम लोग कर देंगे क्या, नेक्स्ट आई, एक मिनट रुको भाई, ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, चलिए अब यहां पर स्टार जब हम प्रिंट करेंगे तो स्टार प्रिंट करने के बाद ये लाइन आपको इनर और आउटर के कॉन्सेप्ट है, और इनर और आउटर के जब कॉन्सेप्ट हम बताए थे तो ये बताए थे कि आपको इस तरह इनर चलता है, देखिए जस्ट है वैसे ही है, आई की वैल्यू 1 रहेगा तो जे की वैल्यू क्या रहेगा, 1, इस तरह है, देखिए आप बना सकते हैं 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है ना, और आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 3, I की वैल्यू 4 और I की वैल्यू 5। जब I की वैल्यू 1 रहेगा तो J कहां से कहां तक चलना चाहिए, 1 से 1 तक, और I की वैल्यू 2 रहेगा तो J कहां से चलना चाहिए, 1 से 2 तक, ठीक है, और इसमें J की वैल्यू कहां से कहां तक चलना चाहिए, 1 to 3। अब ये देखिए यहां पर आप बोले थे कि इस तरह के सिचुएशन हो तो इनर और आउटर हम लोग रखते हैं। पहले क्या था कि I भी 1 से 5 तक चलता था और J भी 1 से कहां तक चलता था, यानी आई के वैल्यू 1 हो तो भी जे 1 से 5, आई के वैल्यू 2 हो तो भी जे 1 से 5, ऐसे बताए थे ना। लेकिन यहां पर आई की वैल्यू 1 है तो जे 1 से 1 तक, आई के वैल्यू 2 है तो जे 1 से 2 तक, यानी कहां तक जे चलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आई के ऊपर। कहां से शुरू होगा जे, वो कहां से शुरू हो रहा है, तो कहां से शुरू हो रहा है वो तो फिक्स है, कहां तक चलेगा तो जो आई की वैल्यू है। तो क्यों ना हम लोग यहां पर क्या रख दे, आई रखते, क्योंकि आई का जिक्र यहां पर आपको करना जरूरी है, क्योंकि स्टार कितना होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइन पे, और लाइन के लिए लाइन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहां पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए ये तो 5 बार चलेगा 5 लाइन के लिए, आई की वैल्यू 1 रहेगी तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से 1 तक 1 से, आई के वैल्यू 2 रहेगा तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, आई टू 1 टू आई, यानी 1 टू 2, तो ये 2 बार चलेगा तो ये 2 बार घूमेगा
तो स्टार स्टार दो बार क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब ये क्या करना है कि आपको कहीं पर, एक तो आपको ये दे दिए कि लाइन चेंज नहीं करें, दूसरा एक चीज है कि पहली बार लूप चलने के बाद पहला लाइन के लिए फिर लाइन क्या होना चाहिए, तो ये तो लाइन चेंज करना ही नहीं देगा, तो लाइन चेंज दूसरा लाइन में जाए, यानी कि आई के वैल्यू वन और आई के वैल्यू जब टू होगा, यानी नेक्स्ट आई से पहले हमको लाइन क्या होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। प्रिंट करेगा चेंज, तो ये आप देखिए अभी इसको हम दूसरा मेथड भी देते, बन गया ठीक है। अब देखिए कैसे बन गया, इसको आप ड्राई रन कराएं या समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अभी हम आपको सिचुएशन चेंज कर रहे हैं और आप फिर बना के ठीक है। हो गया, उतर गया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसी को चेंज करते हैं। हाँ, सेमी कॉलन लाइन चेंज नहीं करने देगा, नहीं नहीं बता रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, फिर यहां प्रिंट दिए है ना, ये लाइन चेंज करेगा ना, ये देखो पहला वाला में तो सोचो, दूसरे लाइन में आओ, जे किसके लिए है, स्टार के लिए, तो स्टार प्रिंट कहां करना है, जे दूसरे लाइन में सोचो, पहला लाइन मत दिमाग दिमाग लगा, दूसरे लाइन में वन टू कहां तक चलेगा, टू कितनी बार लूप चलेगा, दो बार, तो दोनों बार प्रिंट करेगा, तो प्रिंट जो स्टार है उसके बगल में स्टार आना चाहिए, इसको लाइन चेंज करने से रोकने के लिए हम क्या देते हैं, सेमी कॉलन। अब जब दो बार चल गया तो ये लूप तो दो बार में फॉल्स हो गया, तो अब जब ये फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट जे के नीचे आएगा, नेक्स्ट आई करेगा, इससे पहले कि नेक्स्ट आई करे हमको लाइन तीसरा लाइन में जाए तो चेंज करना चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे लाइन चेंज करने के लिए, यही तो किए हैं। अब यहां पर देखिए लाइन के लिए कितनी बार लूप ट्रू होना चाहिए, फाइव टाइम्स, क्या जरूरी है कि फाइव टाइम्स लूप ट्रू कराने के लिए वन से फाइव ही चले, तो अब हम चलते हैं फाइव टू वन, ये भी तो पांच बार चलेगा, तो फाइव कुछ भी लूप चल सकते हैं, हम लोग 51 से 55 भी चल सकते हैं ठीक है, पांच बार ट्रू कराना है, हम पांच बार कभी भी ट्रू हो जाएगा, तो 5 टू क्या करेंगे 1, और जब 5 टू 1 करेंगे तो स्टेप क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 1। अब बताइए यहां पर सोचना है क्या लिख, आई टू 1 कीजिएगा तो 5 बार चल जाएगा, पहले ही 5 प्रिंट कर देगा, यानी 5 4 3 2 1 ऐसे वाला प्रिंट कर जाएगा, मार्कर है क्या, उल्टा प्रिंट कर देगा, लेकिन हमको प्रिंट यही कराना है, तो अब आप सोचिए, अगर आप समझे हैं तो सोचिए, एकदम यही आउटपुट चाहिए, सेम, हाँ यस, है ना। चलिए तो अब आप सोचिए, एक मिनट के मौका देते हैं, ध्यान से सोचिए, मार्कर किसी पास है, मार्कर नहीं किसी पास, यार तुम एक रखा, देखिए अभी के सिचुएशन में नहीं आप चेंज करेंगे ना, कैसे प्रिंट करेगा, देखिए ऐसे प्रिंट कर देगा, 5 टू 1 है तो पहली बार चलेगा 1 टू 5, यानी 1 टू कितना चलेगा 5, 5 स्टार ऐसे आपको प्रिंट कर देगा, 5 स्टार, 5 स्टार, फिर कर देगा 4 स्टार, क्योंकि आई में 5 हो जाएगा तो 1 टू कहां तक चलेगा, 4 तक, तो ये प्रिंट कर जाएगा। आपको ये नहीं चाहिए कि हाँ, अगर आपको ये वाला है तो ये वाला बन गया, ऐसे कोई देगा तो ऐसे का बन गया, लेकिन हमको अभी भी क्या चाहिए, ऐसे ही चाहिए, यानी कि पहला क्वेश्चन आप रटे हुए थे,
है ना, दिमाग में गुजारी थी तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो रटने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको समझना होगा ना। आप ऐसा सोचिए कि पहली बार चले लो तो एक बार चले, तो आई में यहाँ पर है तो फोर, आई को फोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली बार नहीं सोच रहा है, फिर दूसरी बार भी सोचना है, दूसरी बार चलेंगे तो फोर टू फोर एक बार हो जाएगा, है ना, दूसरी बार भी सोचना है कि कितना चले। आप आई इधर भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, आई इधर भी रख सकते हैं, इसको भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये चलने के लिए अब आपको बता रहे हैं कैसे चलना पड़ेगा। देखिए आपको क्या करना है ना, कि आपको सब सुनिए पहले, देखिए इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, जे में आई का जिक्र करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आई मेरा क्या है, लाइन है, आई लाइन है, और जे में आई होगा, चाहे आई इधर रहे या इधर रहे, कहीं पर भी होगा, क्या फाइव टू आई करेंगे, फाइव टू आई, फाइव टू फाइव, और स्टेप माइनस वन हो तो क्या, आई टू, हाँ आई टू फाइव, आई में फोर टू फाइव, यस गुड, आई टू फाइव, आई टू क्या कर देंगे, देखिए आई में क्या रहेगा फाइव, और आई टू फाइव यानी फाइव टू फाइव कितनी बार चलेगा, वन टाइम्स, अरे फाइव टू फाइव कितनी बार चलेगा, वन टाइम, दूसरी बार आई में क्या आ जाएगा, फोर, तो फोर टू कितनी बार चला, दो बार, तीसरी बार आई में कितना आ जाएगा, थ्री, तो थ्री टू फाइव कितनी बार चला, तीन चार पांच बन गया, ठीक है, तो आई टू फाइव, और आई टू फाइव चलेगा यहां पर, तो यहां पर आई टू फाइव यानी बढ़ रहा है, तो स्टेप हो गया, आप देखिए, बन गया, देखो तुरंत सोच लिया, ठीक है, तो ये यहां पर आपको आई का जिक्र होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए, और यही सोचना है कि लॉजिक क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये बन गया, इसमें समझना है। देखो पहले कैसे चला, फाइव टू फाइव पहली बार में, अच्छा ठीक है, पहले देखो ऐसे सोचो, एक मिनट सोचो, पहला लाइन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगा, फाइव, कंफर्म, दूसरा लाइन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगा, फोर, कंफर्म। अब हम बोले कि जो स्टार वाला लूप है उसमें आई का जिक्र होना चाहिए, चाहे लास्ट वैल्यू होना चाहिए, एंडिंग वैल्यू, या फिर क्या स्टार्टिंग वैल्यू, जे में, फोर में, ठीक है। तो अब आप चलिए, तो इसमें हमने चला कि आई टू फाइव, यानी आई में फाइव है, यानी जे में चलेगा आई टू फाइव, यानी फाइव टू क्या चला, फाइव, कितनी बार चलेगा फाइव टू फाइव, एक बार, फाइव टू फाइव कितनी बार चलेगा, एक बार पड़ेगा, तो पहला लाइन में एक बार स्टार, आई के वैल्यू चार हुआ तो किस लाइन की बात कर रहा है, सेकेंड लाइन, किस लाइन की बात कर रहा है, सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन में आइए, आई टू फाइव यानी फोर टू, तो फोर टू फाइव कितनी बार चलेगा, एक फोर पर और एक कितने पर, फाइव पर। अब तीसरा लाइन के लिए आइए, तीसरा लाइन के लिए आइए, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री, आई की वैल्यू थ्री होगा, तो ये चल रहा है आई टू फाइव यानी थ्री टू, तो थ्री फोर और कितना हो जाएगा, फाइव, तीन बार चला। फिर चौथा लाइन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, टू, है ना, उल्टा चल रहा है ना, तो ये कहां से कहां चलेगा, आई टू फाइव यानी टू टू फाइव, टू थ्री फोर, यानी जब आई की वैल्यू टू है तो ये देखिए चार बार चला, वन टू थ्री, और ये चला आई की वैल्यू वन, यानी किस लाइन की बात कर रहा है, पांचवी लाइन की, किस बात की बात कर रहा है, पांचवी लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप पांचवी लाइन, तो फिर आई टू फाइव यानी वन टू फाइव, यानी कितनी बार चलेगा, पांच बार चलेगा, है ना, तो ये करना है, ठीक है। अब देखिए इसलिए हम लोग कुछ कर दिए, अगर कोई कहता कि वन से लेके पांच तक आपको प्रिंट कराना है, तब आप फाइव टू वन नहीं चलेंगे, क्योंकि आई को ही हमको प्रिंट कराना है, क्या कहीं पर यहां पर आई और जे के वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, अगर कहीं पर आई और जे की वैल्यू को प्रिंट नहीं कराना है, और कोई कह दिया कि पांच बार लूप चलना है, तो 101 से लेके 106 तक भी चलेंगे, क्या दिक्कत है, हमको कोई कहेगा कि एक से लेके पांच तक प्रिंट कराना है, तब वहां चलेंगे आई वन से लेके हर बार पांच तक, क्योंकि उसी आई को हमको क्या करना है, प्रिंट भी कराना है। अगर वहां से चलिएगा 101 से लेके 105 तक,
तो आई कीजिएगा तो 101 प्रिंट कर देगा। तो यहां पर देखिए समझना क्या है आपको बढ़िया से, कि आई और जे को कहीं पर प्रिंट में यूज नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ लूप चलाना है। तो लूप तो कुछ भी चल सकता है, 1001 से लेके 1005 तक चलेंगे, वो भी 5 तक चलेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से आप सोच लीजिए। क्लियर है? तो ये बन जाएगा। अब आपको हम दे रहे हैं दूसरा, घर पे ट्राई करने के लिए हम आपको भेज देंगे, और आप ट्राई कीजिएगा, और हर को दो दो रूल से आपको कम से कम बनाना है सोच के, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो भी प्रिंट कर जाएगा, गुड। हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्या कर रहा है, मेरे दिमाग में पहले यही आया था 5 to i और स्टेप माइनस 1, वो भी हो जाएगा। देखो जैसे देखो यहाँ पर वो भी सही बोल रहा है, यहाँ पर हम चल देंगे। खाली सोचना ये है कि पहली बार जैसे 5 चले, 5 to क्या चले, आई, तो पहली बार कहां से कहां तक चलेगा 5 to 5, दूसरी बार कहां चलेगा 5 to 4, तो 5 4, तीसरी बार में आई की वैल्यू 3 होगा 5 4 3, ये भी प्रिंट कर जाएगा। अब आप इसको घर पे स्टेप क्या करना पड़ेगा इसे, ये भी कर जाएगा, ठीक है। कर गया। अब वही तीनों आप अपना के देखिएगा, इसमें ये जो सेकेंड वाला बनाया है उसमें, तो हम 3-4 आपको दे देते हैं, आप नोट डाउन यहीं पर कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों ये नोट डाउन कर लीजिए, सेकेंड है, सेकेंड डिजाइन, थर्ड आपका ये है इस तरह से, ये भी बनाए होंगे। और फोर्थ हो जाएगा इसी के जस्ट क्या अपोजिट, ये थर्ड हो गया आपको क्वेश्चन, ये फोर्थ हो गया इसके अपोजिट, लेकिन आपको अगर ये दे देंगे ऐसे बनाने, और आप इसी का स्टार नहीं करके हम लोग नंबरिंग देते हैं, जैसे फिफ्थ में 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा, तो उस आई का क्या है, आई या जे के यहाँ पर क्या होगा, रूट होगा, है ना। अगर यहाँ 101 से कीजिएगा तो 1 की जगह पर 101 होने लगेगा, तो यहाँ पर आपको फिक्स सोचना पड़ेगा 1 2 3, एंड यहाँ पर क्या दे 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5, बहुत बन जाएगा इससे, ऐसे ही बना सकते हैं 6 नंबर 1 1 1 1 1, जब लूप खत्म हो जाएगा तब आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगे, छुट्टी से आएंगे, ठीक है। मंडे और वेंसडे आपको लैब में चल जाना है 9 बजे। चलिए तो क्लास एंड करते हैं, और अटेंडेंस अमित सर लिए हैं।